माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, तो मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज जो है मैं बनाने जा रही हूँ मूंग मसूर की दाल। तो सोचा कि आप सबके साथ जो है मैं रेसिपी शेयर करूँ। तो अभी जो है वो दाल ले ली है मैंने मूंग मसूर की, ये 1 पाव के करीब दाल होगी। और इन दोनों को जो है मैंने मिक्स कर लिया है और इसे साफ करके जो है वो हम वॉश करेंगे। बहुत ही मज़ेदार दाल बनती है और उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आएगी। व्यूअर्स, जो है वो दाल को जो है मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया और इसे जो है वो पानी, हाफ पतीली से थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर दिया है। और अभी जो है वो दाल में जो है बॉयल आने वाला है, तो अभी इसमें हम जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसमें हसबे जायका जो है वो नमक ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून किसी भी लाल मिर्च ऐड करेंगे। वन टीस्पून जो है वो हल्दी ऐड करेंगे। 1 कनौर का जो है वो क्यूब था वो ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दाल में। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। जो है बॉयल आ चुका था, तो मैंने जो है वो हल्की आंच कर दी है। अब दाल जो है हल्की आंच में पक रही है, साथ में 1 टेबल स्पून जो है वो पिसा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। एक टमाटर जो है वो कट कर लिया था मैंने छील के, वो ऐड कर देंगे दाल में। और मेरे चैनल में आपको लौकी, चने की दाल और सफ़ेद माश की दाल की रेसिपी मिल जाएगी। आप मेरे चैनल पे जाके जो है वो वॉच कर सकती हैं। सफ़ेद माश की दाल आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद की थी, तो उम्मीद करती हूँ ये दाल की रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी। दाल को जो है वो हल्की आँच में ढक के पकने के लिए रख देंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे मज़ेदार सी मूंग मसूर की दाल जो है वो तैयार हो चुकी है और इसे हमने आधा घंटा पकाया है। और ये देखें अच्छी तरह से जो है वो ऐसे घुट चुकी है, तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनी है। तो अब इसमें तड़का लगाते हैं। पैन जो है वो गर्म हो चुका था और 1 बड़े चम्मच के करीब जो है मैंने ऑयल ऐड कर दिया है फ्राई पैन में। अब जो है मैंने हाफ प्याज जो है वो कट कर ली है बारीक, और वो ऐड कर दूंगी मैं ऑयल में। तड़के के लिए प्याज को जो है वो गोल्डन ब्राउन तक कर लेंगे। देख सकते हैं व्यूअर्स, हमारी जो है प्याज गोल्डन ब्राउन होने वाली है। तो इसमें जो है वो 6 जो है वो गोल वाली मिर्च ऐड कर दी है मैंने, और 1/2 टेबल स्पून जो है वो जीरा ऐड कर दिया है। जीरे से दाल में जो बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, और इसे भी जो है वो हम थोड़ा गोल्डन और करेंगे और फिर इसके बाद जो है वो दाल में तड़का लगा देंगे। अब जो है वो हमारा तड़का जो है तैयार हो गया है, अब हम जो है वो इसके दाल में ऐड करेंगे। हमारी मज़ेदार सी जो है वो मूंग मसूर की दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं ऊपर से बाद में, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, हलीम जैसा टेस्ट आता है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ मुझे याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।